अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है 16 मानस प्रकृतियाँ। ठीक है, 16 मानस प्रकृति, देखो यहाँ श्लोक है, जहाँ जहाँ जो टिक किया हुआ है वहाँ टिक कर लेना। तो इसमें बोला गया कि त्रिविधम खलु सत्व शुद्ध राजस तामसिति तत्र शुद्ध। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया कि मन जो होता है वो तीन प्रकार का बताया गया है, शुद्ध मीन सत्व, रज और तामस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि तत्र शुद्धम दोषम विख्यातम, ठीक है, कल्याणम अंशतवम। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि सत्व जो होता है वो क्या होता है, तो वो क्या है, मन कल्याणकारी अंश के अधिक होता है और दोष रहित होता है। अब रजस से में क्या बोला कि जो रज होता है उसमें क्या है, सदोषम ख्यातम रोष अंशतोवम। ठीक है, तो उसमें क्या है कि रोष मतलब क्रोध का अंश की क्या है, प्रधानता होती है। तमसम अपि सदोषम ख्यातम मोह अंशतवम। ठीक है, तो याद रखना कि जो शुद्ध है उसमें कल्याण का अंश होता है, ठीक है, जो रज है उसमें रोष का अंश होता है, जो तप है तम है उसमें क्या है, उसमें मोह का अंश ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है ना, ये चीज़ है। इसमें क्या है, इसमें यह भी बोला गया है, अतः जो तम है वो भी क्या है, दोषयुक्ति है। ठीक है, इन तीन प्रकार के जो मन में क्या है, एक एक मन के भेद तर और तम से क्या है, अपरिसंख्य बताए गए हैं, मीन्स जिसको क्या हम काउंट नहीं कर सकते, अपरिसंख्य बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, शरीरम हे अपि सत्व मन उपविधियंते। ठीक है ना, उपविधियते सत्वम च शरीरम। इन्होंने यहाँ पर लाइन बोली गई है कि शरीर भी मन का अनुगमन करता है और मन शरीर का क्या है, अनुगमन करता है। शरीर भी मन का अनुगमन करता है और मन भी शरीर का क्या है, अनुगमन करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला, तज्ञा था। अब क्या है, इसमें सब प्रकार के जो सत्व है, एक्चुअली क्या है, 16 प्रकार की मानस प्रकृतियाँ हैं, यहाँ हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है 16 प्रकार की मानस है। जो 16 प्रकार की, उसमें क्या है, सत्व रज और तम जो है उसमें है, सत्व जो है वो 7 है, रज 6 है और जो तम है वो कितने हैं, 3 है। जब इनको टोटल काउंट करते तो कितने आ जाते हैं, 16। ठीक है ना, इसमें सबसे पहला बोला गया है ब्रह्म सत्व के बारे में। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या बोला है कि शुचि सत्य अभिसंध है जित आत्मन संविभागिनी। तो इन्होंने जो वर्ड दिया गया वो क्या दिया है, संविभागिनी। देखो संविभागिनी किसके लिए है, तो ब्रह्म सत्व के लिए है। ठीक है, और अगर आ जाए असंविभागिनी, ठीक है, तो वो किसके लिए आता है, तो प्रेत के लिए आएगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे प्रेत का भी। ठीक है, तो जो संभागिनी है तो वो किसके लिए आ जाता है, तो वो आ जाता है असंभागिनी, तो वो किसके लिए है, तो प्रेत के लिए। ठीक है, उसके बाद संभागिनी ज्ञान विज्ञान वचन प्रति वचन, ठीक है ना, संपन्न स्मृति मंतम काम क्रोध लोभ, ठीक है, मानसो हर्ष, ये सब चीज़ें क्या है उसमें नहीं होती हैं। तो ने वही बोला कि सूची, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, सूची सत्व अभिसंध है। ठीक है, सत्व की क्या है, प्रतिज्ञा वाले जित आत्मा होते हैं। ठीक है, सविभागिनी मतलब क्या है, सभी कार्यों को क्या है, विभाग करने वाली होती है। ज्ञान विज्ञान चेतन ज्ञान विज्ञान वचन अवचन, ठीक है ना, उन सब ये सब चीज़ों से क्या है, उन्होंने बोला ज्ञान विज्ञान वचन और प्रतिवचन, इन सब से क्या है, वो एक तरह से शक्ति से संपन्न होती है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो शुश्रुत है उनमें यहाँ पर क्या बोला गया कि शोचो, ठीक है ना, शोच वर्ड यहाँ पर दिया गया है, अभ्यासो वर्ड आ जाता है उसके लिए, वेदशु मतलब अभ्यास करना है वेदों का। ठीक है, गुरु पूजनम, ठीक है, उसका प्रिय अतिथि, ठीक है ना, प्रिय अतिथि ये ध्यान रखना है। और काश्यप ने भी, इन्होंने जित इंद्रिय बोला गया है, काश्यप ने क्या दिया गया है, जित इंद्रिय बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला था आर्ष, ठीक है ना, आर्ष सत्व में क्या है, तो आर्ष सत्व में ध्यान रखना है कि वो जो व्यक्ति होगा वो क्या करने वाला होगा, एक तो सबसे पहले आ जाता है कि पहले तो यज्ञ करने वाला, अध्ययन करने वाला, व्रत होम ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है। यहाँ पर अतिथि, अतिथियों की क्या है, सेवा करने वाला होता है। ठीक है ना, और जिसमें क्या आ जाता है कि राग द्वेष मोह, ठीक है, लोभ रोषम। तो उन्होंने बोल दिया कि जो व्यक्ति होगा, ठीक है ना, वो क्या है,
कि अहंकार हो गया राग द्वेष मोह लोभ क्रोध, जिसमें क्या है शांत हो, नहीं उत्पन्न हुए हो, ठीक है। प्रतिभावम, ठीक है ना, प्रतिभा वचनम, तो जिसमें क्या है प्रतिभा हो, वचन बोलने की शक्ति से युक्त हो, तो उसको क्या है आर्ट्स में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है शुशु, शुश्रुत ने भी इनके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि अध्ययन सेवितम, ठीक है, जो अध्ययन करने वाला हो। ज्ञान विज्ञानम संपन्न, देखो यहाँ पर जो इन्होंने ज्ञान विज्ञानम वर्ड दिया गया है वो किस में दिया गया है, तो वो आर्ट्स में दिया गया है, ठीक है ना, जो कि है ज्ञान विज्ञान संपन्न हो, ठीक है। और काश्यप ने भी इनको क्या रखा गया है, तो काश्यप में इसको जितमानम, ठीक है, किस में रखा गया है, तो जितमानम अक्रोधम, ठीक है ना, रखा गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है इंद्र, ठीक है, क्या जाता है इंद्र, तो इंद्र में क्या दिया हुआ, तो उन्होंने बोला कि ऐश्वर्य वंतम, ठीक है, क्या है, एक तो ऐश्वर्य वाला होता है, ठीक है, जिसके वाक्य ग्रहण करने के योग्य हो, ठीक है ना, आदेय वाक्य, ठीक है ना, आदेय वाक्य। युजवान, ठीक है, क्या होता है युजवान, यज्ञ करने वाला हो, शूर हो, ठीक है, और जस्विनी हो, ठीक है, तेज मतलब तेजस्वी हो। उसके बाद आ जाता है दीर्घदर्शिनम, ठीक है, तो दीर्घदर्शी वाला भी होना चाहिए। धर्म अर्थ काम, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या उसमें होनी चाहिए, धर्म अर्थ काम में सदा तत्पर रहने वाला ही पुरुष जो होता है उसी को क्या बोल देते हैं इंद्र पुरुष बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है विमर्श में, तो विमर्श में क्या बोला गया है, तो शुश्रुत ने जो बोला गया है इंद्र के लिए, तो सतत शास्त्र बुद्धित्व, ठीक है, याद रखना क्या है कि सतत शास्त्र बुद्धित्व, ठीक है, ये किसने माना है, तो ये माना है शुश्रुत ने, किसके लिए, ऐश्वर्य इंद्र, ठीक है ना, इंद्र सत्व के लिए, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो सतत होता है इसका मतलब होता है कि पूर्व जाति स्मर, मतलब पहले उसको पहले जन्म का ज्ञान होना, ठीक है, शुश्रुत ने ये माना है। नेक्स्ट अगला आ जाता है याम्य सत्व, तो याम्य सत्व क्या होता है, तो वो होता है लेखा स्थ वृत्तम, ठीक है, कर्तव्य, ठीक है ना, कर्तव्य अकर्तव्य मर्यादा के अनुसार क्या है व्यवहार करने वाला हो। प्राप्त है कार्यत्वम, ठीक है, तो प्राप्त है उन्होंने बोल दिया कि क्या होता है कि सभी कार्यों को उचित मार्ग में करने वाला, ठीक है, सप्रहर्य, ठीक है ना, असप्रहार्य अर्थात कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर प्रहार ना कर सके, ठीक है ना, असप्रहार्य, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाता है उत्थान अनवंतम, ठीक है ना, उत्थान वंतम, तो जो क्या हो हमेशा कार्य के लिए तत्पर हो, ठीक है ना, इस चीज़ का इन्होंने ध्यान रखने को बोला गया है। ये किस में आते हैं, याम्य में आ जाता है, ठीक है। शुश्रुत ने यहाँ पर बोल दिया कि प्राप्तकारी दृढ़ उत्थानो निर्भय समृतियम, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है वरुण, ठीक है, क्या आ जाता है वरुण, तो वरुण के लिए क्या बोला है, शूर धीर शुचि, ठीक है ना, शूर होना चाहिए, धीर उसमें होनी चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुचि आ गया ना। उसके बाद आ जाता है कि अशुचि द्वेषी नाम, तो जो है कि एक तो पवित्र है और अपवित्रता से द्वेष भी करने वाला हो, ठीक है, इसमें वरुण में याद रखना, एक तो शुचि भी है और अशुचि द्वेषतम, ठीक है ना, द्वेषी नाम। उसके बाद यजवान, वो यज्ञ करने वाला, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि कलिष्ट कर्मणा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है स्थान कोप प्रसादनम, ठीक है, मतलब क्या है कि स्थान पर क्रोधित और प्रसन्न रहने वाला पुरुष जो है वो वरुण सत्व कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक वर्ड आया था, वो कौन सा आया था, वो आया था शुचि, ठीक है ना, शुचि और अशुचि द्वेषी नाम, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक वर्ड आता है कि अशुचि शुचि द्वेषी नाम, देखो अगर जो शुचि है वो तो अशुचि से द्वेष ही तो करेगा, लेकिन एक पिशाच आता है, क्या आता है, पिशाच, वो क्या है, वो अशुचि रहता है, लेकिन उसको क्या है, जो शुचि जो पवित्र रहेंगे उससे वो द्वेष करेगा, ठीक है, तो याद रखना पिशाच में लगाता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कुबेर सत्व, ठीक है, कुबेर सत्व में क्या है, अब कुबेर सत्व में आता है कि स्थान मान उपभोग, ठीक है ना, स्थान मान उपभोग परिवार संपन्न है, तो उन्होंने बोल दिया कि स्थान पर मान और स्थान पर वस्तुओं का उपभोग करने वाला, ठीक है, उसे धर्म अर्थ काम नित्यम, ठीक है, तो उसमें क्या है धर्म अर्थ काम का क्या है, सदा तत्पर रहने वाला, ठीक है, शुचि वही पवित्र होना चाहिए, सुख विवारम, ठीक है, तो सुख उसका क्या है कि
एकदम सुखी से वो प्रसन्नता के साथ साथ अपना सब कुछ करता है काम कुम, ठीक है। तो वो ही बोला कि व्यक्त कोप प्रसादनम, ठीक है ना। और उन्होंने बोल दिया कि जिसमें जैसा जो प्रकट करे अपना लक्षण तो वैसे वो दिखाता है, उसको क्या है कुबेर सत्व जानना चाहिए। सुश्रुत ने क्या बोला है कि मध्यस्थ सहिष्णुतु अर्थ स्याग संचयो महाप्रसव शक्तित्वम कुबेरम, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला आता है गंधर्व। तो गंधर्व में क्या बोला गया है, तो गंधर्व में सिर्फ जो लाइन अंडरलाइन है उसमें देखना है, तो उसमें बोला गया है गंधम आल्य, ठीक है ना, गंधम आल्य अनुलोपे, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया जो क्या है कि जो गंध आदि जो लगाए, ठीक है ना, मतलब जो लेप वगैरह लगाए चंदन आदि का कस्तूरी का, ठीक है, तो उसके लिए बोल दिया गया है। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, वो दिया गया है अनसूयक, ठीक है, अनसूयक मतलब दूसरों के गुणों पर क्या है दोषरोपण कर ना करना, ठीक है ना, दूसरों के गुणों पर क्या है दोषरोपण ना करना, अनसूनयक, ठीक है ना। ये वाला होता है वो किस में आता है, गंधर्व में आता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होते हैं कल्याणकारी अंश की अधिकता होने से, ठीक है, शुद्ध सत्वों के क्या है सात भेद बताए गए हैं, ठीक है। आपको जो हाईलाइटेड आप एक बार फिर देख लो, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, फर्स्ट ये रहा, फर्स्ट फर्स्ट आया था ब्रह्म सत्व। तो ब्रह्म सत्व में आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो सबसे पहले आया सहभागिना, ज्ञान ज्ञान विज्ञान वचन प्रति वचन संपन्न है स्मृति मंत है, ठीक है। ओष जो है वो क्या रहता है स्मृति वाला रहता, अतिथियों का सम्मान करने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास इंद्र, ठीक है। इंद्र कैसा होता है, तो वो जजवान शूर धीग्र दरिश्यम, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है याम्य, तो याम्य कैसा होता है, तो लेखा लेखास्थवृतम प्राप्तकारित्व, ठीक है। प्राप्त आपको याद रखना होगा कि जो याम्य है वो क्या है कुछ ना कुछ प्राप्त करता है, ठीक है ना, प्राप्तकारित्व। असहप्रहार्य, ठीक है ना, असहप्रहार्य, ठीक है। जैसे आप ऐसे याद कर सकते हैं जो यमराज हैं वो कुछ ना कुछ क्या है जब भी नीचे आते किसी ना किसी आत्मा को लेके जाते हैं तो प्राप्त करके जाते हैं प्राप्तकारित्व, ठीक है, जस्ट याद करने के लिए, ठीक है। और असहपरे मीन्स क्या है कि जो क्या है किसी का प्रहार ना, मतलब किसी पर प्रहार ना हो सके, उस व्यक्ति के ऊपर क्या है किसी का भी प्रहार ना हो सके, ठीक है। उसके बाद वरुण, तो वरुण क्या होता है, तो उन्होंने बोल दिया कि वरुण में ध्यान रखना है कि वरुण एक लड़का है जिसको क्या है वो बहुत साफ सुथरा रहता है, लेकिन जो साफ सुथरे नहीं है, ठीक है, शुचि और अशुचि से वो क्या है द्वेष करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कुबेर, तो कुबेर के लिए याद रखना कि धर्म अर्थ काम नित्य, ठीक है, उस चीज़ को वो ध्यान रखता है। उसके बाद गंधर्व, गंधर्व जो होते हैं ना वो क्या है वो अनसूनयक, अनसूयक, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन है अनसूनयक, ठीक है ना, अनसूनयक क्या होता है, तो वो आता है कि दूसरों के गुणों में क्या है दोष रोपण ना करने वाला हो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है हमारा राजस का, ठीक है। उससे पहले एक विमर्श में देख लो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बोला गया है कि सात्विक मन को क्या है शुद्ध मन माना गया है, ठीक है, सात्विक मन को क्या है शुद्ध मन माना गया है। मन का शुद्ध मन के लक्षण बताते उन्होंने बोला गया है कि आरोग्यम, ठीक है ना, क्या बोला गया है कि आरोग्यम प्रशस्तो कूपम ज्ञान विज्ञान मर्यादा धीर आयु सुख अत्यक, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि ये करता है मतलब सुख की प्राप्ति करवाता है सामान्य शुद्ध लक्षणम, ये किसका है, तो ये काश्यप का लक्षण बताया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर आया हुआ है अन्न, ठीक है ना, अन्न सूयक, ठीक है, अन्न सूयक, तो अन्न सूयक जो है वो गंधर्व में आएगा, अन्न है, ठीक है ना। अगर आ गया न सूयक, ठीक है ना, कि आ गया सूयक आ गया, तो वो किसके लिए, जो दूसरों के गुणों में भी दोष निकाले, जैसे कि असुर और प्रेत, ठीक है ना, वो क्या है दूसरों के दोषों में भी दूसरों के गुणों में भी क्या है दोष निकालते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि यहाँ पर बोला गया कि आचार्य चरक ने क्या है वरुण सत्व में ही क्या है प्रजापत्य सर्व सत्व सत्व का क्या है समावेश किया गया है, ठीक है, याद रखना प्रजापत्य जो सत्व है, ठीक है, उसमें क्या है वरुण गुण में ही क्या है समावेश किया गया है। नेक्स्ट अगला आता है कि राजस, राजस के छह भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही है कि अरे प्रियतम प्यारे सांस को भी साथ ले रे, ठीक है ना, ऐसे करके दिया हुआ है, अगर आपको याद करना है पहले इसका देख लेते, तो अरे, ठीक है ना, अ से आता है असुर, र से राक्षस, ठीक है ना, क्या बोला गया है अ, अ से असुर है, तो असुर में बोला गया कि ये कैसा होता है शूर होता है,
ठीक है ना, चांडम सूर्यम, ठीक है ना, यहाँ पर बोला गया कि तो कैसा होगा कि अधिक क्रोधी होगा, ठीक है ना, सूयक, सूयक मतलब दूसरों के दोषों में क्या है, गुणों में क्या है, दोष निकालने वाला, ठीक है ना। तो हम बोल दिया है कि सूर्य, सूर्यम, चंडम, सूयक, सूयक मतलब अनसूयक है, उसका मतलब कि गंधर्व में है, यह है सूयक, ठीक है, आप में आएगा, आप इज असुर और पी से प्रेत, ठीक है ना, या आप करके लिखा था ना। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि आत्म, ठीक है ना, आत्म पूजक पूजकम आसुरम, ठीक है, अपनी पूजा करने वाला जो होता है, आत्मा आ गया ना, अपनी पूजा करने वाला जो होगा अर्थात पुरुष जो होगा वो कैसा होगा, वो असुर वाला होना चाहिए, मतलब जो स्वार्थी होते हैं, ठीक है ना, ये बता दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आता है राक्षस। तो राक्षस में क्या है, तो राक्षस में आपको ध्यान रखना होगा अनुबंध कोपनम, ठीक है ना, मतलब क्रोध की क्या है परंपरा को बनाए रखने वाला, ठीक है, छिद्र हारिना, तो छिद्र पाकर क्या है धोखा से मारने वाला, ठीक है ना, मतलब कि कुछ ना कुछ मौका पाकर वो धोखे से क्या है, धोखे से मारने वाला होगा, ठीक है। और साथ में उन्होंने बोल दिया है कि किस में रुचि रखेगा, तो रुचियम अमिष प्रियतम, तो उन्होंने क्या है मांस भोजन में क्या है वो ज़्यादा प्रिय रखने वाला होगा। स्वप्नम सब बहुलम, तो उन्होंने बोल दिया कि वो शयन में या परिश्रम करने वाला होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना है पेशाच का, ठीक है, यहाँ पर एक ध्यान रखना वर्ड जो सुश्रुत है, यहाँ पर एक वर्ड है एकाशीनम, ठीक है ना, एकाशीनम, और यहाँ पर क्या है एकाग्र ग्रहितम, ठीक है, एकाग्र ग्रहितम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पश्चात सत्व, तो पश्चात में क्या हुआ है महाअंशनम, ठीक है ना, महाअंशनम स्त्रेयम, ठीक है, जो आलसी होगा और स्त्री के वश में ही रहने वाला होगा, ठीक है। उसके बाद शुचि, शुचि द्वेषम, ठीक है ना, एक तो पहले वो अशुचि है, ठीक है ना, लेकिन वो क्या है शुचि से वो द्वेष करेगा, मतलब वो क्या है वो एक तो साफ सुथरा नहीं है, वो अपवित्र है, और वो उसको क्या है पवित्रता से वो क्या करेगा द्वेष करेगा। भीरुत्वम, भीरु क्या होगा वो डरपोक होगा, और भीषियर, भीषियतार मीन्स क्या है दूसरों पर भयभीत, दूसरों को भयभीत करने वाला होगा, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाती है। विकृत विहार आहार शीलम, तो वो विकृति क्या है खाना खाएगा और विहार को भी क्या है फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें जो सुश्रुत है उन्होंने वर्ड क्या दिया है निर्लज, ठीक है ना, पेशाच को क्या वर्ड दिया है निर्लज बोला गया है। और काश्यप ने भी क्या बोला, काश्यप ने बोला गया कि मद मांस प्रिय, ठीक है, जिसको क्या है मद और मांस प्रिय है, और बहु भोजनम, ठीक है, पिशाच के लिए बोला है। नेक्स्ट अगला आता है कि सर्प सत्व, करूर शूर क्षूरम कुद्र भीरु, तो उन्होंने बोल दिया कि क्रोध वाला, क्रोध होने पर शूर, क्रोध उत्पन्न ना होने पर डरपोक, ठीक है, अगर उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाए तो वो शूर है, लेकिन क्रोध नहीं है तो वो क्या है एज अ डरपोक है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला गया तीक्ष्ण, ठीक है, मतलब वो क्या है तेज है, ठीक है, अधिक परिश्रम करने वाला है, ठीक है। और उन्होंने बोल दिया कि इस तरह गोचरम आहार विहारम परम, तो उन्होंने बोल दिया गया कि सदा आहार विहार में क्या है लगे रहने वाला होता है, ठीक है ना, मतलब प्रत्येक कार्य में भी लगा रहता है और आहार विहार में भी लगा रहता है। नेक्स्ट अगला आता है प्रेत सत्व, तो इसमें याद रखना आहार काम अति, ठीक है, तो आहार में सदा इच्छा रखने वाला होता है, ठीक है, अति लोलुप, ठीक है, क्या होता है अत्यंत लोभी होता है, ठीक है। कर्मशीलम, तो अकर्मशीलम मतलब आलसी होता है, ठीक है, इस चीज़ का है। अब जैसे हमने बोला था कि जो प्रेत है तो वो किस में जाता है असभागी, ठीक है ना, असविभाग, विभागम, जिसमें हमने ब्रह्म सत्व में पढ़ा था कि सविभाग भागिनी होता है, ये क्या है असविभागिनी है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और प्रेत क्या होते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है काश्यप ने कि निशा प्रिय होते हैं, मतलब रात को उनको अच्छे लगने वाले होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है शकुन, शकुन सत्व क्या है, तो शकुन सत्व में बोला गया है अनुष्कता, ठीक है ना, अनुष्कता मीन्स सदा ही मैथुन में आसक्त होने वाले होते हैं, ठीक है, सदा आहार विहार में तत्पर रहने वाले होते हैं, ठीक है, आहार विहारम यहाँ पर लिखा है आश्रम। उसके बाद संचयम, ठीक है ना, संचय मतलब किसी भी असंचयम है, मीन्स किसी भी वस्तु का क्या है संचय ना करने वाले होते हैं, जो भी है एट अ टाइम खा लो, उसके बाद नहीं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला कि इस प्रकार से जो राजस के क्या है छह भेद जो है वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और काश्यप ने भी राजस के कितने बताए हैं, सात भेद बताए हैं, ठीक है, काश्यप ने राजस के कितने हैं
तो राजस सत्व के सात भेद माने हैं, ठीक है। काश्यप ने जो सेवंथ आ जाता है तो वो कौन सा माना गया, तो वो माना गया है यक्ष, ठीक है, यक्ष सत्व, ठीक है। याद रखना काश्यप ने कितने माने हैं, तो सात माने हैं, कौन कौन सा एक एक्स्ट्रा है, तो याद यक्ष सत्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आ जाता है पाशव। ये कौन से है? ये तीन प्रकार के आ जाते हैं अभी, ये तीन प्रकार के आ जाते हैं, ठीक है। कौन से आ जाते हैं? तम के, ठीक है। तो तम के कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें बोला गया है पाशु, ठीक है ना। पाश्व सत्व क्या है, तो पाश्व सत्व क्या है, तो उसमें बोला गया है कि निरकारी, ठीक है ना, निरकारी उष्णम मेधस्य जो गुप्ति सता आहार, ठीक है ना, आचार आहारम मैथुन परम स्वप्नशीलम पाशव विद्याता। तो उन्हें बोल दिया कि जो पुरुष वाले सत्व होंगे, पाशव मीन्स जो पुरुष वाले होंगे, ठीक है ना। पाशव को एज अ तामस भी बोला गया, तो फर्स्ट आ जाता है पुरुष पशु, ठीक है। तो पशु वाले जो सत्व है उसमें क्या बोला गया है कि पुरुष अपने क्या है, अपने आई हुए विपत्तियों को दूर ना करने वाला होता है, ठीक है। स्मरण शक्ति में क्या है, शून्य निंदित आचार आहार करने वाला, ठीक है। मैथुन में सदा सक्त होने वाला, अधिक क्षयन करने वाला पुरुष को क्या है, पशु सत्व जानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आ जाता है मात्स्य, ठीक है। मात्स्य सत्व कौन सा है? भीरुम भूद्धम आहार लुभ्यते अनवस्थित्वम, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि जो क्या हो, डरपोक हो, मूर्ख हो, आहार के लोभी हो, चंचल हो, काम क्रोधी में अनुक्त हो, ठीक है, सदा ही चलने फिरने वाले हो, शरणशीलम तोप्य कर्म, ठीक है, जो क्या है सदा ही अधिक प्रेम में, जल से अधिक प्रेम करने, तो एक कर काम है ना, तो एक कामम, तो जल से अधिक प्रेम करने वाले हों, ठीक है, उसको मात्सर्य सत्व बोला गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है वनस्पत्य सत्व, तो क्या बोला गया है, अलस्यम केवलम अभिनिविष्ट आहारम सत्व बुद्धे अंगहीनम। तो उन्होंने बोल दिया कि आलसी केवल आहार में ही लगे होने वाले और सभी प्रकार के बाहरी और अभ्यंतर ज्ञान से शून्य पुरुष को क्या है, वनस्पत्य सत्व जानना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर बताया गया है कि जो सत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रकाश करने वाले प्रवक्ततम, ठीक है ना, प्रकाशकम। जो राजस होते हैं वो होते हैं प्रवर्तकम, ठीक है, और जो तम होते हैं वो क्या होते हैं, नियामनन, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है, उन्होंने बोला कि इसी प्रकार के मोह मोह अंश की प्रधानता होने के कारण क्या होता है, मोह अंश तम, तो उसमें क्या होगा, तामस सत्व प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट में इन्होंने बोला गया कि यहाँ पर क्या बताए गए हैं, तो पांच अर्थ जो है वो शुभ माने गए हैं, ठीक है। जैसे जो पांच चीज़ें बताई गई थी, जैसे कि गर्भ का कारण, गर्भ की आत्मा, गर्भ की प्रकृति, गर्भाशय के गर्भ की क्रम वृद्धि, ठीक है, गर्भ की वृद्धि का कारण, ये पांच क्या हैं, अर्थ शुभ माने जाते हैं, ठीक है ना, पंच अर्था शुभ संगीता, ठीक है ना। उसके बाद बोला कि इन भावों से क्या है, अशुभ को भी मानना चाहिए, ठीक है, और इन शुभ और अशुभ मिलकर कितने हैं, आठ भावों को जो वैद्य भली भांति जानता है वो चिकित्सा में क्या है, राजा, उसको राजा की चिकित्सा कर सकता है, ठीक है। जो क्या है सब कुछ जानता है वो क्या है, राजा की चिकित्सा कर सकता है। इसी तरह जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।